how to put screen protector and apply on Infinix Note 10. So Infinix Note 10 में step and process को किस तरीके से apply करना है और जो screen protector है उसे अपने Infinix Note 10 के स्मार्टफोन में किस तरीके से apply करना है. Basically जो topic है specially for मैं beginners के लिए cover कर रहा हूँ जो first time इस process को apply कर रहा है. अब ये जो process मैं आपको बताऊँगा ये सिर्फ आप Infinix Note 10 में नहीं इवन कोई भी स्मार्टफोन्स हो उसमें आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको स्मार्टफोन्स जब भी आप परचेस करते हैं तो स्मार्टफोन्स के साथ में आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है. तो मोस्टली केसेस में इसे रिमूव करने के बाद आप जब सेकेंड टाइम जब आपको फिर से एक स्क्रीन प्रोटेक्टर की ज़रूरत होती है तो ऐसे में आप सेकेंड टाइम स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज़ मत करिएगा. ऐसे में आप टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज वो आपके स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू दिस कम. सो कीप इन माइंड. तो यहाँ पर जो Infinix Note 10 है ये इंडिया में जस्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है. इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो कवर किया, यू कैन चेक इट आउट माय वीडियो सेक्शंस. बट और भी फीचर्स है इसके बारे में जो डेप्थ फीचर्स है जो मैं अपकमिंग वीडियो में कवर करूँगा. बट फिलहाल अभी इसका जो स्क्रीन प्रोटेक्टिंग का जो प्रोसेस है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है. अब यहाँ पर इसे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो ये कि जो आपका स्क्रीन है उस पर कोई भी अननेसेसरी डस्ट नहीं होना चाहिए. तो ये बात का भी आपको ध्यान रखने कि आपका जो स्क्रीन है Infinix Note 10 का उस पर कोई डेस्ट है कि नहीं. तो इसके लिए आपको चेक आउट करने के लिए उसके लिए आपको वेल एंड लाइटिंग कंडीशन में इस तरीके से रखना है लाइक दिस एंड एज यू कैन सी. और उसके बाद फिर यहाँ पर जहाँ पर भी आपको डस्ट दिख रहा है वहाँ पर जस्ट आपको किसी वाइट पेपर से या तो किसी नायलॉन के कॉटन के कपड़े से आप इसे ईजिली स्वाइप कर सकते. इसके अलावा अगर आपको और भी ईजीएस्ट वे चाहिए तो ऐसे डस्ट रिमूव के स्टिकर्स आते हैं जो आप ईजिली स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हैं जो स्टिकी वाले जो डस्ट होते हैं उसे रिमूव करने में. बट मेरे केसेस में यहाँ पर कोई भी ज़रा डस्ट नहीं है तो सिर्फ नॉर्मल समय यहाँ पर पेपर का यूज़ करूँगा. बट मेक श्योर कि यहाँ पर अगर आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा वाटर यूज़ करना है और इसे अप्लाई करना है बट एकदम लाइट वे. बट अगर आप पेपर से भी आप कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर होगा. इसमें आपको ज़रा कुछ पानी यूज़ नहीं करना है पेपर में स्पेशली. सो कीप इट इन माइंड. और जब भी आप पेपर का यूज़ करो मेक श्योर एकदम स्मूथली और एकदम लाइट वे से आपको स्क्रीन पे अप्लाई करना है बिकॉज पेपर की वजह से भी कभी कभी डस्ट यहाँ पर जमा हो जाता है. सो कीप इन माइंड. यहाँ पर अगर आपके पास कॉटन कपड़ा नहीं होगा तो आपके फैमिली मेंबर्स में कोई तो एक मेंबर होगा जिन्हें चश्मा लगा है तो उनके चश्मे के साथ में एक कॉटन का कपड़ा आता है चश्मा पोंछने के लिए तो आप उस कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ईजीएस्ट होता है. समटाइम्स अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा डक्स दिख रहा है जो यहाँ पर पेपर से रिमूव नहीं हो रहा है देन इन दैट केस आप यहाँ पर हल्का सा एक लाइट वेट में वाटर आप यूज़ कर सकते हैं. बट डायरेक्टली आपको वाटर स्क्रीन पर अप्लाई नहीं करना है. कीप इन माइंड एक नॉर्मल सा आपको एक कपड़ा ले सकते हैं जो एकदम कॉटन टाइप हो और किसी कैप में बस आपको छोटा सा एक वाटर का सिप ले लेना है. सो कीप इन माइंड मतलब कम से भी बहुत ही कम एकदम मिनट टाइप का वाटर आपको यहाँ पर यूज़ करना है. डायरेक्टली आपको वाटर यहाँ पर अप्लाई स्क्रीन पर बिल्कुल भी नहीं करना है. उसके बाद आपको डायरेक्टली बस लाइट एटोटर जहाँ पर आपको लाइट लाइट डस्ट दिख रहा है वहाँ पर आपको इस नॉर्मल तरीके से इस तरीके से अप्लाई कर देना है. आपको यहाँ पर ऐसा प्रेस नहीं करना है जस्ट नॉर्मल लाइट वेट में इस तरीके से स्क्रीन को यूज़ करना है ताकि जो डस्ट है वो यहाँ पर रिमूव हो जाए. और ये आपको तभी करना है जब आपका नया स्मार्टफोन हो आपने फर्स्ट टाइम अनबॉक्स किया हो और स्क्रीन एकदम नया हो तो ही आपको वाटर का यहाँ पर यूज़ करना है. लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन लेके आपका 5 to 6 months हो गया है और उसके बाद आप स्क्रीन का प्रोटेक्टर चेंज कर रहे हो देन इन दैट केस आपको बिल्कुल भी यहाँ पर स्क्रीन पर वाटर यूज़ नहीं करना है. अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके स्क्रीन पर तो हैंग का प्रॉब्लम डिस्प्ले का प्रॉब्लम टच स्क्रीन का प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पर अभी जस्ट स्मार्टफोन नया है इसलिए मैं यहाँ पर वाटर को थोड़ा अप्लाई कर रहा हूँ. तो वाटर अप्लाई करने के बाद कॉटन से साफ़ करने के बाद एंडेड अप फिर उसके बाद आप चाहे तो किसी नॉर्मल से पेपर का आप यूज़ कर सकते हो ताकि स्क्रीन जो है वो एकदम कम्प्लीटली स्मूथ हो जाए जस्ट लाइक दिस और ज्यादा प्रेशर नहीं देना है.
सो एज यू कैन सी अब यहाँ पर बिल्कुल भी टेक्स्ट नहीं दिख रहा, बट यस टॉप साइड पे थोड़ा सा है, तो मैं यहाँ पर इसे भी अप्लाई कर देता हूँ। दैट्स इज ऑल अबाउट। स्क्रीन वाइपिंग करने के बाद देन आपको जाहिर कि स्क्रीन प्रोटेक्टर लेना है लाइक दिस, और उसके बाद जस्ट इसको पूरी तरीके से रिमूव नहीं करना है, हाफ पोर्शन इसका रिमूव करना है, जस्ट लाइक दिस। और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे आपको पहले रिमूव करना है, और जो अपर का जो पोर्शन है उसे आपको एस इज इट रहने देना है जब तक कि आप उसको स्क्रीन पर अप्लाई नहीं करें। अब यहाँ पर जो मैं स्क्रीन का प्रोटेक्टर रिमूव कर रहा हूँ वो डाउन साइड का कर रहा हूँ, ऊपर साइड का जो प्रोटेक्टर है वो वैसे का वैसे ही है, उसे आपको अभी नहीं करना है, इतना आधा पोर्शन आपको निकालना है। अब उसके बाद डायरेक्टली आपको स्मार्टफोन पर इसे अप्लाई कर देना है। जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट आपको आधा करना है और आधे पार्ट को पूरी तरीके से कवर कर देना है। As you can see, देन ऊपर से आपको प्रॉपरली इस तरीके से प्रेशर देना है, बट लाइट वेट में आपको प्रेशर देना है, और डाउन साइड से रिमेनिंग पार्ट को भी रिमूव करना है लाइक दिस। जिसे आपको इस तरीके से प्रॉपरली तरीके से पुल कर लेना है, और मेक श्योर कि आपके जो स्क्रीन है उस पर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो आप कितना भी अगर आप स्मार्टली आप स्क्रीन प्रोटेक्टर को स्मार्टफोन पे अप्लाई करोगे तो हल्का पुल्का बबल्स स्मार्टफोन पर रहेगा ही, इवन एक्सपर्ट भी थोड़ा प्रॉब्लम उनके साथ भी होता है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अब यहाँ पर जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे तो इसके बाद हल्का फुल्का बबल्स होगा ही, डोंट वरी। तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली आपको जो ऊपर का प्रोटेक्टर है उसे आपको इस तरीके से रिमूव कर देना है, कि मोस्टली केसेस में जो ज़्यादा बबल्स होते हैं वो ये इस टॉप वाले अपर लेवल की वजह से होता है, तो इसे आपको रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, आपको जो बबल का पोर्शन है उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको रिमूव भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा प्रेशर नहीं देना। जब आप स्मार्टफोन को यूज़ करोगे 2-3 दिन के बाद, जैसे जैसे आपका जो थंब है आपके जो हाथों की उंगली जैसे जैसे स्क्रीन पर जाएगी, आप जिस तरीके से स्वाइपिंग करेंगे ऑटोमेटिकली जो बबल्स हैं वो गायब हो ही जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। बट स्टिल अगर आपको अभी नहीं रिमूव करना ही है इस बबल्स को, तो जो भी आपका पोर्शन है बबल्स का उसको आपको अपर के साइड में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, पहले तो उसको आपको रिमूव करना है इस तरीके से डाउन साइड की तरह करना है लाइक दिस। और तो अगर आप देखेंगे तो जो पोर्शन है वो बबल्स का साइज वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है लाइक दिस। एंड देन उसके बाद जो डाउन साइड्स के हैं उसको आपको इस तरीके से आउटर साइड में प्रेस कर देना है, बट मेक श्योर कि आपको यहाँ पर ज़्यादा नाखून का यूज़ नहीं करना है, जो आपके हाथों की थम है इसकी चमड़ी को आपको यूज़ करना है, बट नाखून का प्रेशर बिल्कुल भी यहाँ पर जाना नहीं चाहिए लाइक दिस। एज यू कैन सी बबल्स यहाँ से गायब हो गए। उसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट का भी आपको इसी तरीके से करना है, बस आपको आउटर एज में इसे प्रेस करते जाना है, बट नाखून से बिल्कुल भी नहीं। और लाइट वेट से करना है, बिकॉज अगर आपने ज़्यादा प्रेशर दिया तो यहाँ पर स्क्रैचेस हो सकते हैं, जिससे कि फिर लुक इतना इम्प्रेसिव नहीं लगेगा, सो कीप इन माइंड। एज यू कैन सी तो बबल्स यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो गया, बस हल्का है उसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। दैट्स इट।
एज यू कैन सी पूरा बबल्स यहाँ से गायब हो गया, खाली नीचे के दो से तीन है जो आपको इसी तरीके से रिमूव करना है। दैट्स इज ऑल अबाउट। सो गाइज, अगर आपको ये स्मार्टफोन को परचेस करना है तो आप इसे इजीली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको पता चल गया किस तरीके से स्क्रीन प्रोटेक्टर को इन्फिनिक्स नोट्स 10 पर अप्लाई करना है, इंस्टॉल करना है। बट स्टिल अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ भी डाउट है इट स्मार्टफोन को लेके, यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।